आंखों देखी। मेस्को और बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। मेस्को से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। मैं विजय प्रसाद सिंह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ नवादा जिला का अध्यक्ष हूँ। आंगनबाड़ी के लिए बराबर मांगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा बिहार राज्य में हुआ है, जिसमें नवादा जिला 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर पड़ी हुई है, हड़ताल में जारी है, धरना प्रदर्शन कर रही है। उसमें प्रमुख मांग है कि हमारी सेवा को सरकारीकरण किया जाए, सेविका को तृतीय क्लास का दर्जा और सहायिका को चतुर्थ वर्ग का दर्जा दिया जाए। उसके बाद अगर इतना देने में भी सक्षम सरकार यदि नहीं है तो हमको जो मानदेय दिया जाता है तो कम से कम सेविका को जो मिनिमम भेजेज होता है सरकार के आकलन के अनुसार 45वां श्रम संशोधन के अनुसार वह 21,000 रुपया सेविका को और 15,000 रुपया सहायिका को दिया जाए, ये हमारी मांग है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार की अध्यक्षता में फ्रंट लाइन पब्लिक स्कूल चातर में एक बैठक हुई, जिसमें राजौरी प्रखंड के सिरदला प्रखंड के प्राइवेट स्कूल के सभी संचालक उपस्थित रहे। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग 15 सितंबर 2020 के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। राजौरी से पंकज आर्य की रिपोर्ट। कवाकोल दुर्गा मंडप में आयोजित 7 दिवसीय योग शिविर के तीसरे दिन लोगों को योग सिखाते हुए योग प्रशिक्षक योगी त्यागनाथ ने कहा कि हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन पश्चिमी सभ्यता के जाल में इस कदर फंसती जा रही है कि लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति को ही धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिससे भारत की पौराणिक परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। कवाकोल से रोशन कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज अहमद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी पंचायतों के आवास योजनाओं के लाभुकों एवं उससे संबंधित लोगों ने भाग लिया। मेस्कॉर से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। नवादा बिहार झारखंड को जोड़ने वाली NH-31 रोड की बदहाली ऐसी है कि कई जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। नवादा से सोनू सिंह की रिपोर्ट।